रेल यात्रियों का सफर होगा आसान। भारत बांग्लादेश के बीच फिर शुरू हुई ट्रेन सेवाएं। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल से थी बंद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारत बांग्लादेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। दरअसल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। आज से कोलकाता ढाका, कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना, कोलकाता बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग ट्रेन देखे हैं, इसमें बांग्लादेश से पैसेंजर आते हैं यहाँ पे मेनली टूरिंग ट्रीटमेंट, कुछ परचेजिंग का यहाँ पे पैसेंजर आते हैं, वही पैसेंजर वापस जाते हैं। तो ये फर्स्ट डे रनिंग है, ऑब्वियसली पैसेंजर तो आए नहीं, इसीलिए एकोमोडेशन कम है। ओनली 19 पैसेंजर आज मेरा बुक हुआ है। एंड मैत्री का थोड़ा सा अच्छा है, मैत्री में कल तक जैसे हम चेक किए थे आउट ऑफ पैसेंजर लगभग 100 का पास। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच तीसरी रेल सेवा मिताली एक्सप्रेस भी 1 जून को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए शुरू होने वाली है। तीनों ट्रेनों में सफर के लिए टिकट बुकिंग हो चुकी है। इस ट्रेन सेवा के फिर से जारी होने की घोषणा के बाद दोनों देशों के लोग काफी खुश हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 13132 न्यू जलपाईगुड़ी ढाका छावनी मिताली एक्सप्रेस 1 सप्ताह में 2 दिन यानी रविवार और बुधवार को चलेगी। बता दें कि मिताली एक्सप्रेस के संचालन से आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते एहतियात के तौर पर ये ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी। अभी देश में कोरोना के कम मामले को देखते हुए कई सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं, जिसके बाद अब कोलकाता बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन की आवाजाही से रोकथाम हटा दी गई है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।